क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बिल्कुल ऐसे ही नारा है, ये तीन महीने से पहले मैं और MLA साहब को आके देख के गए थे। 1.97 करोड़ का एक काम भी शुरू सैंक्शन थी, लेकिन उसको टेंडर 10 बार हुआ, टेंडर लोग नहीं आए, अभी टेंडर आ गया, इसको काम आ रहे आज शुरू हुए हैं। ऐसा काम है, बहुत उसका काम है सिटी में। अभी 80% पिछले साल से कंपेयर करके तो पिछले साल से 60% काम डिसल्टिंग पूरा हुआ था। इसी साल में 82% काम पूरा डिसल्टिंग हो गया है और अभी 18% बाकी है, वो भी एक हफ्ते में हो जाएगा। इधर भी ఇక్కడ చుట్టూ మేము తిరిగి వచ్చాము ఎమ్మెల్యే గారు, మేము కొన్ని దగ్గరలో ఇప్పుడు జోరాబాయి దర్గా దగ్గర 9 ప్రాపర్టీస్కి అక్వైర్ చేశాము, మనకు ల్యాండ్ ఎలక్షన్స్ టైంలో ఉస్కో హటా నహీ సక్తి, ఎలక్షన్స్ కా లా హై కి ఈ తోడ్నా భీ కోర్ట్ కో నహీ కర రహే హై, ఇస్కో తో ఓట్ కో నుక్సాన్ హో జాయేగా, ఇసిలియే కర నహీ పాయే, అభీ ఉస్కో శురూ కరేంగే। और इसी के साथ एक नाला भी देखा है, वो रेलवे स्टेशन का नाला और उसका आगे भी गंगानगर का नाला और चांद्रागढ़ नाला देखे है। नाला का शुरू, नाला का डिसिंग का काम हो गए हैं, एक हफ्ते में हो जाएगा। बारिश इस बार नुकसान नहीं हो गए इस जगह में और सिटी में भी अच्छा काम चल रहा है। और SRDP काम भी देख चुके हैं, बहदुरपुरा का वो ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, बहदुरपुरा फ्लाईओवर कूड़ा 36 प्रॉपर्टीज जा रहा है, उसको भी कल चेक देंगे हम, काम भी शुरू हो जाएगा। और एक दो तीन काम है ऐसे वाले, वो आरामगढ़ का एक ब्रिज बाकी है, उसको गवर्नमेंट के भेजे हैं, थोड़ा टेंडर को बदलना है उसको। అన్ని SRDP పనులు కూడాను తప్పనిసరిగా వచ్చే 1 ఇయర్లో కంప్లీట్ చేస్తాము। తర్వాత MP అసిస్టెంట్ సాహబే మేరేసే బార్ బార్ బాత్ కర్తే హే కామ్ జ్యాదా కర్నే కే లియే, ఇసిలియే మైన్ హమారా లోగోన్ కో బోల్ రహా హై కి 15 డేస్ కే ఏక బార్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కో రివ్యూ కర్నా హై జోనల్ కమిషనర్ నే, ఔర్ హఫ్తే మైన్ బార్ బార్ ఏక హఫ్తే మైన్ ఏక బార్ ఆకే ఇధర్ దేఖనా హై, క్యోంకి లోగ్ కో నుక్సాన్ నహీ హోనా హై కి ట్రాఫిక్ కో భీ థోడా ముష్కిల్ హో జాయేంగా, లేకిన్ యే కామ్ హోనే కే బాద్ బహుత్ సుకూన్ మిలేగా లోగోన్ కే। థ్యాంక్ యూ సర। बैरिस्टर अशोकदीन साहब, सदर मजलिस रुकी पार्लियामेंट एक नालिंग के डिसेटिंग और वाइंडिंग के लिए। और वैसे बारिश का सीजन शुरू हो गया है, यहाँ पे डिसेटिंग का काम चल रहा है, लेकिन ये नाला जो गंगानगर से होते हैं, देवीपुरा मेन रोड से होते हैं, भरतनगर जा रहा है, इसकी डिसेटिंग के लिए वो जमाने से टेंडर रिकॉल करते जा रहे थे, तो उसका रिस्पांस आया 1.98 करोड़ का जो सीमेंट है और उसका काम का इफ्तिताह हुआ। यहाँ पे वो सहूलत होगी गंगानगर, उसके आगे के बस्तियों को, देवीपुरा माता खिड़की की रोड पर जो पानी घरों में भर जाता है नाले से ओवरफ्लो हो गया, वो शिकायत दूर होंगी। और ये मेन रोड पे जो डिसल्टिंग का काम है, ये मेन रोड पर तकरीबन 40-45 साल से कोई डिसल्टिंग नहीं हुई, अब इस वक्त इसकी ज़रूरत है, इसलिए उसके काम का लिए आगाज़ करें। कमिश्नर साहब ज़ाती तौर पर कोशिश दिलचस्पी लेके इस टेंडर को कराए हैं, आज के काम का आगाज़ हो रहा, 3 महीने काम का पीरियड है, मुद्दत है, लेकिन कोशिश ये है कमिश्नर साहब अभी गुच्छा साहब को बोल के जल्द से जल्द काम करो, पब्लिक को तकलीफ दिए बगैर, और ट्रैफिक का भी जो यहाँ पे माफूल इंतजाम करो, किसी किस्म की ट्रैफिक में रुकावट ना आने पाए। इसी तरीके से याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के पास भी एक वाटर लाइन के ताल्लुक से वहाँ पे रोड बाइंडिंग कुछ मकाना निकाल के करना है, कमिश्नर साहब को नॉलेज मिला है, सबको पैसे देके खाली निकालना है, वहाँ का काम भी हो जाएगा। डिसल्टिंग का काम अभी चल रहा है, SRT कॉलोनी और दीदगे रेडियो में काम चल रहा है, मंजूरी दी है कमिश्नर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश ये कि ये काम की तकमील जल्दी हो जाए, यहाँ के पुराने शहर के याकूतपुर के लोगों को सुकून मिलेगा। इस मौके पर हमारे MLC रियाजुल हसन अफंदी साहब, कारपोरेटर हमारे सब साथ हैं, मैं कमिश्नर साहब का एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया।